अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप सो आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले मोस्ट वेलकम टू माय चैनल, दैट इज़ मिस रिमशा ऑफिशियल चैनल। अच्छा व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, जो कोई भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो पूरी देखा करें, ताकि आपको सबसे ज़्यादा समझ में आए, ठीक है, वीडियो का हर एक पॉइंट समझ में आए, लेक्चर का हर एक मोटिव समझ में आए आप लोगों को, ठीक है। और वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई इशू नहीं भी है तो अप्रिसिएशन के लिए एटलीस्ट आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये आप लोगों की तरफ से एक अप्रिसिएशन होता है और ये मेरे लिए एक सपोर्ट है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ कितने लोग जो है वो विलिंग हैं और कितने लोग मेरे सपोर्टिव हैं, और वो चाह रहे हैं, कंटिन्यू चाह रहे हैं मुझसे कि मैं वीडियोस अपलोड करूं, ठीक है। तो आज हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, कि क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है और कितने तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम हैं, ठीक है। अब बायोलॉजिस्ट प्रिफेयर सच अ सिस्टम दैट कैन प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। बायोलॉजिस्ट प्रिफेयर करते हैं ऐसा सिस्टम जो कि प्रोवाइड करे मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। किसके बारे में बायोलॉजिस्ट प्रिफेयर करते हैं ऐसा सिस्टम जो कि प्रोवाइड करे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन किसके बारे में, अबाउट द बेसिक, जो बेसिक डिफरेंसेस हैं और सिमिलैरिटीज हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान, उसके बारे में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, पुराने मतलब जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके हवाले से अगर देखा जाए, उसके हिसाब से तो ऑर्गेनिज़म्स वर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम। उस वक्त ऑर्गेनिज़म कितने, दो किंगडम में क्लासिफाइड थे, बट नाउ टैक्सोनॉमिस्ट एग्रीड ऑन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेकिन अब टैक्सोनॉमिस्ट जो हैं वो एग्री हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है। We will see the basis of this classification system. अब हम देखेंगे कि इनका basis क्या है, इन classification system के basis क्या हैं और इनके drawbacks क्या हैं in the two kingdom and three kingdom classification system, ठीक है। दो kingdom system में और three kingdom system में क्या drawbacks हैं, क्या errors हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम एंड क्लासिफाइज ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम, दैट इज़ प्लांटा एंड एनिमेलिया। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वो सिस्टम था जो सबसे पुराना सिस्टम है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म दो कैटेगरी में क्लासिफाई हुए हैं, दो किंगडम में क्लासिफाई हुए हैं, एक है प्लांटा और दूसरा है एनिमेलिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट All organism that can prepare food from simple inorganic material and thus can store energy are autotroph and are included in kingdom plantae. तो इस सिस्टम के हिसाब से हर वो ऑर्गेनिज़म जो कि अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है इन ऑर्गेनिक मिनरल से और स्टोर कर सकता है एनर्जी अपने अंदर, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और इनको जो है उन्होंने किस पे रख दिया, किंगडम प्लांटा में प्लेस कर दिया। ऑन द अदर हैंड द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथिसाइज देयर फूड एंड डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स आर और अदर आर हेटोट्रॉफ्स एंड आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म थे जो कि अपना फूड खुद से तैयार नहीं कर सकते थे और डिपेंड करते थे ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, तो उनको कहा जाता है हेटरोट्रॉफ्स, और उनको उनकी कैटेगरी को प्लेस किया था किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, इस सिस्टम के हिसाब से बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्जाई वर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटा, ठीक है। अब इस सिस्टम में क्या था कि प्लांट तो किंगडम प्लांटाई में मौजूद थे, लेकिन इसके अलावा बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जाई भी किंगडम प्लांटाई में ही मौजूद थे, ठीक है। सम टैक्सोनॉमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्कएबल बिकॉज, कुछ टैक्सोनॉमिस्ट ऐसे थे जिनको ऐसा लगा कि ये सिस्टम जो है वो सही नहीं है, सही काम नहीं कर रहा, क्योंकि
मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना हैव बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि दोनों बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूग्लिना है हमारे पास, तो वो क्या है, प्लांट लाइक है और एनिमल लाइक भी है, ठीक है, प्लांट जैसा भी है और एनिमल जैसा भी है, ठीक है। अब प्लांट जैसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल उसके अंदर मौजूद होता है, इस वजह से वो प्लांट लाइक है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल जो है एक पिगमेंट होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनेल होता है जो कि ग्रीन कलर जो है प्लांट को देता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल की वजह से जो है यूग्लिना जो है वो प्लांट लाइक दिख रहा है, ठीक है, और जबकि एनिमल लाइक वो किस बिना पर है कि वो हीटरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसका, डार्कनेस में एंड लैक ऑफ सेल वॉल, यानी कि प्लांट सेल में जैसे सेल वॉल होते हैं और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं, तो इसी तरह यूग्लिना में सेल वॉल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अंधेरे में वो जो है उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हीटरोट्रॉफिक होता है, यानी कि वो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकता, और वो इसके अलावा डिपेंड करता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। सो देयर शुड बी अ सेपरेट किंगडम फॉर सच ऑर्गेनिज्म, तो ऐसा होना चाहिए कि सेपरेट किंगडम सिस्टम होना चाहिए ऐसे ऑर्गेनिज़म्स के लिए। दिस सिस्टम ऑल्सो इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक एंड डोज हैविंग यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इस सिस्टम का एक और बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इसमें जो है जिन्होंने ये सिस्टम बनाया था या ये सिस्टम जो है वो इग्नोर कर रहा था उन दो ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान जो कि प्रोकैरियोटिक भी थे और दूसरे तरफ जो यूकैरियोटिक भी थे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मैंने आपको डिफाइन किया था, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन से जो है बाउंड नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपको ये दो ड्रॉबैक्स जो है हमें पता लगे, ठीक है। अगर ये हमारे पास रीजनिंग में आता है कि टू किंगडम सिस्टम को क्यों नहीं पढ़ा जाता या उसको अब क्यों नहीं कंसीडर किया जा सकता, तो उसमें आप ये दो रीज़न लिख सकते हैं। कौन से रीज़न, पहला तो ये कि इसमें जो है यूग्लिना जो है मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म, पहला तो रीज़न ये होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनका प्लांट लाइक करेक्टर भी था और एनिमल लाइक करेक्टर भी था, तो इस वजह से ये पहला ड्रॉबैक था। और दूसरा ये था कि दूसरा क्या था कि इसमें जो है बैक्टीरिया फंजाई एल्जाई इनको भी इंक्लूड कर दिया था। और तीसरा ड्रॉबैक ये था कि इनमें जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स थे उनको डिफरेंशिएट नहीं किया था, ठीक है। तो ये तीन रीज़न है जिसकी वजह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं था, ठीक है। अब आ जाते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। तो इसके बारे में क्या है कि इन 1866 अर्नेस्ट हैकल सॉल्व द फर्स्ट ऑब्जेक्शन, ठीक है। अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में पहला ऑब्जेक्शन सॉल्व कर दिया, ठीक है, एंड प्रपोज्ड अ थर्ड किंगडम, ठीक है, और उन्होंने तीसरा किंगडम बनाया, ठीक है, मिसाल के तौर पर दैट इज प्रोटिस्टा टू एकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा बनाया उसमें ताकि उसके अंदर यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स को रखा जा सके। ही ऑल्सो इंक्लूडेड बैक्टीरिया इन किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में जो है उन्होंने बैक्टीरिया को भी रखा, यानी कि तीन अब किंगडम बन गए थे, एक किंगडम प्लांटाई, किंगडम एनिमेलिया और तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटाई, अब इन सिस्टम में फंजाई को या फंगस को कहाँ पर रखा हुआ था, किंगडम प्लांटाई में, ठीक है। तो दिस सिस्टम डिडेंट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इस सिस्टम का भी यही मसला था कि इसमें
प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान डिफरेंस नहीं किया जा सकता था। सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्रीड अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटाई। कुछ बायोलॉजिस्ट ने ये ऑब्जेक्शन की थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि फंजाई को प्लांटाई में रखा हुआ है, किंगडम प्लांटाई में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि फंजाई रिजेंबल करता है प्लांट से इन मेनी वेज बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ। ठीक है, फंजाई प्लांट से मिलता जुलता है, प्लांट जैसा लगता तो है लेकिन वो दरअसल ऑटोट्रॉफ नहीं है। ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं? जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपने लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ले, यानी कि अपना जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो उनके खुद के कंट्रोल में होता है, वो अपनी बॉडी में ही अपना फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फंजाई बिल्कुल भी इस तरह से नहीं था। ठीक है, तो देयर आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हीटोट्रॉफ्स। फंजाई जो है वो क्या है? स्पेशल फॉर्म ऑफ हीटोट्रॉफ्स है दैट गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करके वो फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है या न्यूट्रिशन अपनी ऑब्टेन करता है। ठीक है, दे डोंट हैव सेलुलोज इन दियर सेल वॉल, रेदर पजिस काइटिन। ठीक है, इनके पास क्या है? सेलुलोज नहीं है इनके सेल वॉल में, बस इसके बजाय क्या है इनके पास? काइटिन है। ठीक है, तो जिस तरह टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे कि वहाँ पे यूग्लिना जो है वो उसकी पोजीशन क्लियर नहीं थी, यहाँ पे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में फंजाई की पोजीशन क्लियर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो आज तक चल रहा है, इसको हम देखते हैं कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या है। इन 1937 में ईच एटोम ने सजेस्ट किया था, सजेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, 1937 में ई शेटोन ने क्या किया था, टर्म जो है सजेस्ट की थी प्रोकैरियोटिक किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए, और बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करने के लिए, और यूकैरियोटिक एनिमल और प्लांट सेल को डिस्क्राइब करने के लिए। इन 1967 रॉबर्ट विटेकर इंट्रोड्यूस द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। रॉबर्ट विटेकर ने इन 1967 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। दिस सिस्टम बेस्ड ऑन, ये सिस्टम में क्या था, ये सिस्टम किस पे बेस कर रही थी? द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। ठीक है, इसमें क्या था कि इजीली ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो बेस कर रहा था इस सिस्टम पे। ठीक है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंक्लूड है? प्रोकैरियोटिक इंक्लूड है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है। ठीक है, इसके अलावा द प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो प्रिंसिपल मोड्स हैं न्यूट्रिशन का, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेस्शन। ठीक है, ऑन दिस बेसिस, यानी कि जो प्रिंसिपल मोड है, यानी कि न्यूट्रिशन किन किन मेथड से खा सकते ऑब्टेन कर सकते हैं या ले सकते हैं, तो न्यूट्रिशन का जो मेथड है पहला तो है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है एब्जॉर्प्शन और तीसरा है इंजेस्शन। ठीक है, ऑन दिस बेसिस ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन टू फाइव किंगडम। इन सारे बेसिस के बिना पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था फाइव किंगडम में। ठीक है, और वो फाइव किंगडम क्या है? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांट है और एनिमेलिया है। ठीक है, फिर इसके बाद इन 1988 मार्गुलिस एंड शोवर्ड्स, ये दो साइंटिस्ट और थे जिन्होंने मॉडिफाई किया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को, जो कि विटेकर ने बताया था, रॉबर्ट विटेकर ने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था उसको मज़ीद मॉडिफाई किया मार्गुलिस एंड शोवर्ड्स ने। ठीक है, दे कंसीडर जेनेटिक्स अलोंग विथ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन के अंदर ही उन्होंने कंसीडर क्या क्या किया, जेनेटिक्स को कंसीडर किया,
किसके साथ? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ, और इसके साथ साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। दे क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इन टू द सेम फाइव किंगडम एज प्रपोज्ड बाय विटेकर, ठीक है। तो जैसे विटेकर ने सजेस्ट किया था फाइव किंगडम सिस्टम वैसे ही था, लेकिन यहाँ पर चेंजेस उन्होंने क्या किया कि मज़ीद उस सिस्टम को मॉडिफाई किया कि न्यूट्रिशनल मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ जो है उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी है, और उसके साथ साथ उनका जो जेनेटिक लेवल है उसको भी उन्होंने डिफाइन किया है, ठीक है। तो होप सो आपको ये किंगडम सिस्टम जो है, किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो समझ आई होगी, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हम क्यों नहीं कंसीडर करते, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हम क्यों नहीं कंसीडर करते, ठीक है। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये मज़ीद इलेबरेट हो गया है, ठीक है। तो इसमें मज़ीद जो है डिस्टिंग्विशन हमें मिल गई है किसकी, कि प्लांट को कहाँ रखना है, एनिमल को कहाँ रखना है, फंजाई को कहाँ रखना है, और प्रोकैरियोट्स को कहाँ रखना है, यूकैरियोट्स को कहाँ रखना है। इसके अलावा उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और उनका जेनेटिक लेवल क्या है, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।